हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू स्टोरी लाइन वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को टेंगो गेमवर्क्स के 2014 में लॉन्च किए गेम द इविल विदिन की फुल स्टोरी को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। और गाइस, वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं वीडियो के बीच में से किसी भी थ्योरी पर आपसे क्वेश्चन करूंगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, गेम में हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम है सेबास्टियन कैस्टियानोस, जो कि क्रिम्सन सिटी का एक डिटेक्टिव पुलिस ऑफिसर है। गेम में ऐसा बताया गया है कि कुछ टाइम पहले सेबास्टियन की बेटी की घर में आग लगने के वजह से मौत हो गई और उसकी वाइफ भी काफी समय से गायब है। गेम की स्टार्टिंग में सेबास्टियन और उसकी टीम एक कार में बैठकर बीकन मेंटल हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इस टीम में सेबास्टियन के अलावा और तीन लोग थे, ऑस्कर कॉनली, जोसेफ ओडा और जूली किडमैन। इन लोग को ये खबर मिली थी कि बीकन मेंटल हॉस्पिटल में मास मर्डर हुआ है, मतलब सामूहिक हत्या, मतलब कई लोगों का बहुत ही बेरहमी से खून कर दिया गया है। नाउ सेबास्टियन बीकन मेंटल हॉस्पिटल से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और तभी उन्हें एक क्रीपी नॉइस सुनाई देती है। गाइज, ये नॉइस क्या है, इसका क्या मतलब है और कौन ये नॉइस करता है, ये सभी सवालों के जवाब मैं वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूंगा। और गाइज, इस समय इस पूरे शहर में इन चारों के सिवाय और कोई दिखाई नहीं पड़ता। नाउ फाइनली ये चारों बीकन मेंटल हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां सेबास्टियन ऑस्कर कॉनली को बाहर रुकने के लिए बोल किडमैन और जोसेफ के साथ खुद अंदर जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूरे हॉस्पिटल में उन्हें सिर्फ लाशें और खून के सिवाय कोई भी जिंदा आदमी दिखाई नहीं पड़ता, सिवाय एक डॉक्टर के, डॉक्टर मार्सेलो हेमिनीज। यहाँ पर डॉक्टर हेमिनीज काफी डरे हुए दिखाई देते हैं और वो सिर्फ एक ही नाम को बार बार दोहरा रहे हैं, रूविक। जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए सेबास्टियन वहाँ के सीसीटीवी कैमरास की फुटेजेस चेक करता है, जहाँ सेबास्टियन देखता है कि तीन सिक्योरिटी गार्ड्स को किसी साये जैसी चीज ने एक ही बार में मार दिया, जिसके बाद वो साया कैमरे की तरफ देखता है। और गाइस, ये दिखने में तो 10-12 साल के आम बच्चे जैसा था, जिसका आधा शरीर जला हुआ था, जिसके बाद ये घोस्ट जैसी चीज उस जगह से हटकर सीधा सेबास्टियन के पीछे टेलीपोर्ट होता है। और गाइस, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये घोस्ट जैसी चीज आखिर है क्या। सो गाइस, हमारे गेम का मेन विलन यही है, रूविक। असल में गाइस, रूविक हमेशा से ऐसा नहीं था, पहले वो भी एक आम बच्चे जैसा था और उसका नाम रूविक नहीं, रूबिन था। गाइज, रूविक के रूबिन बनने के पीछे भी एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है, जिसे मैं वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूंगा। गाइज, जब रूविक सेबास्टियन पर अटैक करता है तो सेबास्टियन एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। इस वर्ल्ड में सेबास्टियन के साथ कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी होती हैं, जहां पर एक चेनसो वाला आदमी सेबास्टियन पर अटैक करता है और सेबास्टियन अपने आप को बचा किसी तरह से इस हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, जहां सेबास्टियन देखता है कि पूरे शहर में अफरा तफरी मची हुई है, जहां पर ऑस्कर कॉनली सेबास्टियन को एक एम्बुलेंस में बुलाता है। सेबास्टियन जल्दी से एम्बुलेंस में बैठता है, जिसके थोड़ी देर बाद ही एक बहुत खतरनाक अर्थक्वेक आता है। इस अर्थक्वेक में हम पूरी क्रिम्सन सिटी को दो हिस्सों में बंटता हुआ देखते हैं और इन सभी एक्टिविटीज को रूविक देख रहा होता है, प्रोबेबली ये सब वही कर रहा था। नाउ इस समय इस एम्बुलेंस में टोटल 5 लोग मौजूद हैं, सेबास्टियन, डॉक्टर एमिनीज, ऑस्कर कॉनली, किडमैन और लेजली। गाइस, लेजली यहाँ पर डॉक्टर एमिनीज का एक मेंटल पेशेंट है। नाउ सेबास्टियन ऑस्कर से जोसेफ के बारे में पूछता है, जहाँ पर ऑस्कर बताता है कि जोसेफ हॉस्पिटल के अंदर तो गया था लेकिन बाहर आया ही नहीं, जहाँ पर सेबास्टियन एम्बुलेंस में लगे मिरर में डॉक्टर एमिनीज, लेजली और किडमैन के पास रूविक को देखता है।
लेकिन पीछे देखने पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखता, जिसके बाद एक बार फिर वही क्रीपी नॉइस सुनाई देती है जो गेम की स्टार्टिंग में सेबेस्टियन और उसकी टीम ने सुनी थी, जिसके बाद ऑस्कर कॉनली धीरे धीरे एक जॉम्बी टाइप क्रिएचर में कन्वर्ट हो रहा है। और क्योंकि लेस्ली एक मेंटल पेशेंट है तो उसकी एक बुरी आदत है, वो किसी भी वर्ड को रिपीट करते करते चिल्लाने लगता है। और ये क्रीपी नॉइस सुनने के बाद लेस्ली फाइन फाइन का रिपीटेशन छोड़कर फॉल फॉल का रिपीटेशन करने लगता है, जिसके बाद सही में एम्बुलेंस काफी ऊंचाई से गिर जाती है। होश में आने के बाद सेबेस्टियन देखता है कि ऑस्कर कॉनली पूरी तरीके से एक जॉम्बी टाइप क्रिएचर में बदल गया है। कॉनली सेबेस्टियन पर अटैक करता है और सेल्फ डिफेंस में सेबेस्टियन उसे शूट कर देता है। और गाइस आप लोग को याद होगा कि रूविक के अटैक करने के बाद सेबेस्टियन एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुका था, और अभी सेबेस्टियन सिर्फ उस हॉस्पिटल से बाहर आया है, उस दुनिया से नहीं। ये दुनिया रूविक की है और यहाँ पर सारी चीजें उसी की मर्जी से होती हैं। और गाइज इन जॉम्बी टाइप क्रिएचर्स को गेम में हॉन्टेड का नाम दिया है। असल में गाइज हॉन्टेड भी आम इंसान ही थे, लेकिन इस वर्ल्ड में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो हॉन्टेड में बदल गए। और इन लोगों के साथ क्या हुआ ये मैं वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूंगा, जिसके बाद सेबेस्टियन कई हॉन्टेड से बच के जैसे तैसे सरवाइव करता है और डॉक्टर हेमिनीज से रीयूनाइट होता है। डॉक्टर हेमिनीज यहाँ सेबेस्टियन से उसके मेंटल पेशेंट लेस्ली को ढूंढने के लिए हेल्प मांगते हैं, जहाँ पर डॉक्टर को लगता है कि शायद लेस्ली हॉस्पिटल की तरफ गया होगा, क्योंकि गाइज हॉस्पिटल उसके लिए एक फैमिलियर प्लेस है, क्योंकि कई सालों से उसका इलाज हॉस्पिटल में ही हो रहा था। जिसके बाद हेमिनीज सेबेस्टियन को उसके भाई वैलेरियो के पास लेकर जाता है, जो कि एक डॉक्टर था। लेकिन गाइज हम देखते हैं कि वैलेरियो भी एक हॉन्टेड में तब्दील हो रहा था, और वैलेरियो यहाँ पर सेबेस्टियन पर हमला करता है, जिसके बाद सेबेस्टियन वैलेरियो को शूट कर देता है, जिसके बाद फाइनली ये दोनों लेस्ली को ढूंढ लेते हैं। वापस जाते हुए वो देखते हैं कि जिन सीढ़ियों से वो यहाँ आए थे वो अब गायब हैं, और यहाँ लेस्ली भी लूजिंग आवर माइंड्स रिपीट करने लगता है। जिसके बाद गेम में एंट्री होती है रूविक की। यहाँ डॉक्टर हेमिनीज के मना करने के बाद भी सेबेस्टियन रूविक को फॉलो करता है, और कुछ ही कदम चलने पर वो एक अलग ही जगह पहुंच जाता है जहाँ कोई भी नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर पहले डॉक्टर हेमिनीज और लेस्ली दोनों यहीं पर थे। यहाँ सेबेस्टियन का सामना लॉरा की मॉन्स्टर फॉर्म से होता है। यहाँ पर लॉरा रूविक की बहन है, और गाइज लॉरा के ऐसा बनने के पीछे भी एक वजह है, जिसे मैं वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूंगा। गाइज आई नो कि मैं बहुत सारी चीज़ों को बात के लिए पोस्टपोन कर रहा हूं, बट पेशेंस इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी ऑफ दिस गेम। नाउ लॉरा की मॉन्स्टर फॉर्म को चकमा देकर सेबेस्टियन फाइनली जोसेफ को ढूंढ लेता है, जहाँ पर जोसेफ का शरीर बाथटब में होता है। नाउ जोसेफ कंफ्यूज है और उसे पता ही नहीं कि वो यहाँ आया कैसे। नाउ फिर एक बार वही क्रीपी नॉइस सुनाई देती है, और ऑस्कर की तरह जोसेफ भी हॉन्टेड में बदलने लगता है, जहाँ पर जोसेफ सेबेस्टियन पर हमला भी करता है, पर थोड़ी देर बाद समहाउ वो नॉर्मल हो जाता है। अब गाइस गेम में कई बार इस क्रीपी नॉइस का जिक्र हुआ है, तो चलो देखते हैं कि आखिर ये क्रीपी नॉइस है क्या। असल में गाइस इस नॉइस को गेम में हाई पिच नॉइस कहा गया है, और ये हाई पिच नॉइस रूविक के आसपास होने या उसके हमला करने से पहले एक अलर्ट अलार्म की तरह काम करती है, और इस नॉइस को रूविक ही प्रोड्यूस करता था। और गाइस जोसेफ के हॉन्टेड में बदलने का मतलब है कि रूविक सबके दिमाग पर हावी हो रहा है। नाउ थोड़ी देर बाद वो किडमैन को एक वाटर टैंक में फंसा हुआ देखते हैं, जिसके बाद कई जॉम्बीज से लड़ने के बाद वो फाइनली किडमैन को बचा लेते हैं।
नाव तीनों रीयूनाइट होते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हाई पिच नॉइस सुनाई देती है, जिसके बाद ये तीनों अलग अलग हो जाते हैं। और गाइज ये सब रूविक कर रहा है। नाउ इसके बाद हमें सेबेस्टियन और लॉरा में बॉस फाइट देखने को मिलती है, जहां पर सेबेस्टियन इस फाइट को जीत जाता है। नाउ गाइज सेबेस्टियन को एक बहुत ही स्ट्रेंज विजन दिखाई देता है, जिसके बाद सेबेस्टियन अपने आप को एक न्यू लोकेशन पर पाता है। गाइज एक नोटिस करने वाली बात यह भी है कि अभी तक सेबेस्टियन को जिन भी जगह पर टेलीपोर्ट किया गया वो सभी क्लोज और हॉरर जगह थी, पर यह जगह एक शांत टाउन जैसी थी। नाउ यहीं पर सेबेस्टियन को जोसेफ भी मिलता है और दोनों रीयूनाइट होकर किडमैन को ढूंढने निकल पड़ते हैं, जिसके बाद वह दोनों किडमैन को लेजली के साथ चर्च की तरफ जाते हुए देखते हैं और उनका पीछा करते हैं। नाउ फाइनली ये दोनों चर्च पहुंचते हैं, जहां पर एक बार फिर हाई पिच नॉइस सुनाई देती है। और गाइज हम देख सकते हैं कि इस नॉइस को रूविक ही प्रोड्यूस कर रहा था, जहां पर रूविक एक बार फिर जोसेफ और सेबेस्टियन को अलग कर देता है, जिसके बाद सेबेस्टियन फिर से अपने आप को एक नई जगह देखता है, जहां पर कई हॉन्टेड से बचने के बाद सेबेस्टियन फाइनली डॉक्टर हेमिनीज तक पहुंचता है, जहां पर डॉक्टर हेमिनीज स्टेम मशीन के पास खड़े थे। और गाइज स्टेम एक ऐसी मशीन है जो मशीन नहीं बल्कि खुद में ही एक वर्चुअल वर्ल्ड है। गाइज अगर किसी के ब्रेन को स्टेम से कनेक्ट किया जाए तो शरीर बेजान हालत में ओरिजिनल वर्ल्ड में पड़ा रहता है, लेकिन ब्रेन के स्टेम से कनेक्ट होने के वजह से इंसान की कॉन्शियसनेस स्टेम वाले वर्चुअल वर्ल्ड में चली जाती है, और इंसान अपनी ब्रेन कैपेसिटी की मदद से स्टेम के वर्चुअल वर्ल्ड में खुद को कंट्रोल कर पाता है। नाउ गाइस सेबेस्टियन डॉक्टर हेमिनीज से पूछता है कि आखिर रूविक चाहता क्या है, तो डॉक्टर हेमिनीज बताते हैं कि रूविक सभी को जान से मार देना चाहता है। Well, it's just a theory, but I'd say he wants us dead. जिसके बाद सेबेस्टियन को फिर वही स्ट्रेंज विजन दिखाई देता है और फिर से सेबेस्टियन अपने आप को एक न्यू लोकेशन पर पाता है, जहां पर रूविक और डॉक्टर हेमिनीज के कुछ फ्लैशबैक विजन्स की मदद से सेबेस्टियन को रूबिन के रूविक बनने की पूरी कहानी पता चल जाती है। असल में गाइज रूबिन और उसकी बहन लॉरा दोनों ही एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, और रूविक के पेरेंट्स ने जबरदस्ती पैसे के दम पर गांव वालों की जमीनें हथियाई थी, और इसी बात का बदला लेने के लिए गांव वालों ने उनके नए लकड़ी के घर में आग लगा दी। और अनफॉर्चुनेटली रूबिन और लॉरा उस समय इसी घर में खेल रहे थे, जिस वजह से वो दोनों इस आग की चपेट में आ जाते हैं, जहां पर लॉरा समहाउ रूबिन को इस घर से बाहर निकाल देती है, लेकिन खुद जलकर मर जाती है, और इस आग की वजह से रूबिन का भी आधा शरीर जल जाता है। इस इंसिडेंट के बाद लॉरा कोमा में चली जाती है, जहां ये रिवील होता है कि रूबिन दिमागी रूप से थोड़ा कमज़ोर था, और उसकी घिनौनी क्यूरियोसिटी को छिपाने के लिए उसके पेरेंट्स ने उसे एक सीक्रेट लैब बनाकर दी थी, और रूबिन यहाँ किसी भी कीमत पर लॉरा को वापस ठीक करना चाहता है। और रूबिन यहाँ एक ऐसी रिसर्च पर काम कर रहा था जहाँ वो अपने और लॉरा के लिए एक न्यू वर्ल्ड बना सके। और गाइस इस रिसर्च में डॉक्टर हेमिनीज भी रूविक का साथ देते हैं, और इससे पहले रूविक लॉरा की कॉन्शियसनेस को स्टेम से जोड़ पाता, लॉरा की कोमा में ही डेथ हो जाती है। असल में गाइस रूबिन के पेरेंट्स को पहले ही पता चल गया था कि लॉरा अब कोमा से वापस नहीं आने वाली, और इसलिए वो डॉक्टर से कहकर वेंटिलेशन के प्लग को खुलवा देते हैं, जिस वजह से लॉरा की डेथ हो जाती है। और गाइस क्योंकि रूबिन का लगाव उसके पेरेंट्स से ज़्यादा लॉरा से था, इसलिए वो अपने पेरेंट्स को भी मार देता है। और फाइनली स्टेम प्रोजेक्ट कामयाब रहता है, जिसके बाद हमें मोबियस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलता है। और गाइस डॉक्टर हेमिनीज भी इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, और गाइस इस ऑर्गेनाइजेशन का मालिक द एडमिनिस्ट्रेटर अपने पर्सनल फायदों के लिए स्टेम को यूज़ करना चाहता है, लेकिन रूबिन को इस बात का पता चल जाता है, और वो स्टेम को अपने हिसाब से कस्टमाइज करके इस तरह डेवलप करता है कि सिर्फ वो ही उस पर कंट्रोल कर सके, और स्टेम सिर्फ रूबिन के ब्रेन वेव्स की मदद से ही चल सके। और जब इस बात का पता
द एडमिनिस्ट्रेटर को लगता है तो वो रूबिन को पकड़कर चांद से मार देते हैं और उसके दिमाग को निकालकर स्टेम से कनेक्ट कर देते हैं ताकि स्टेम चलता रहे। गाइस द एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा रूबिन तो मर जाता है लेकिन रूबिन का ब्रेन स्टेम से कनेक्ट होने के वजह से उसकी कॉन्शियसनेस स्टेम के वर्चुअल वर्ल्ड में चली जाती है। मतलब गाइस रूबिन तो मर गया लेकिन उसकी ब्रेन की कॉन्शियसनेस ने स्टेम के वर्चुअल वर्ल्ड में रूबिक को जन्म दिया और रूबिन की इसी कॉन्शियसनेस को स्टेम वर्ल्ड से ख़त्म करने के लिए मोबियस ने कई एजेंट्स को भेजा और क्योंकि स्टेम में रूबिक का राज था इसलिए वो उसका बाल भी पाका ना कर सके और ज़्यादा टाइम तक स्टेम के वर्चुअल वर्ल्ड में रहने के वजह से इन लोगों पर इस जगह का असर होने लगा और ये धीरे धीरे हॉन्टेड में बदल गए। रूबिक को स्टेम वर्ल्ड से बाहर निकालने के लिए मोबियस ने कई कोशिश की लेकिन हर बार नाकाम रहे और फाइनली मोबियस ने रूबिन के ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर स्टेम से डिसकनेक्ट कर दिया लेकिन इसके बाद भी वो रूबिक को स्टेम वर्ल्ड से बाहर नहीं निकाल पाए, जिसके बाद मोबियस को लेजली के बारे में पता चलता है और गाइस लेजली की ब्रेन वेव्स भी काफ़ी हद तक रूबिक से मिलती हैं और इसलिए मोबियस लेजली की कॉन्शियसनेस को रूबिक की कॉन्शियसनेस से इंटरचेंज करना चाहता है ताकि रूबिक की जगह स्टेम पर लेजली का कंट्रोल हो और लेजली मोबियस के अंडर काम करे, जिससे इनडायरेक्टली स्टेम का कंट्रोल मोबियस के हाथ में आ जाता। और गाइज यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जूली किडमैन एक डबल एजेंट है जो कि मोबियस के लिए काम करती है और गाइज द एडमिनिस्ट्रेटर ने ही जूली को स्टेम वर्ल्ड में भेजा था रूबिक को स्टेम से बाहर निकालने का तरीका ढूंढने के लिए। सिमिलरली यही काम द एडमिनिस्ट्रेटर ने और भी कई एजेंट्स के साथ किया जो बाद में हॉन्टेड बन गए। नाउ स्टेम वर्ल्ड में किडमैन को ये पता चलता है कि क्योंकि लेजली और रूबिक दोनों की ही ब्रेन वेव्स आपस में मैच करती हैं इसलिए रूबिक लेजली के थ्रू स्टेम वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में आना चाहता है। अब गाइज आप लोग सोच रहे होंगे कि मोबियस भी रूबिक को स्टेम से बाहर निकालना चाहती है और रूबिक खुद भी स्टेम से बाहर आना चाहता है तो दिक्कत है क्या? असल में गाइज मोबियस सिर्फ रूबिक को स्टेम से बाहर नहीं निकालना चाहती बल्कि स्टेम पर कब्जा भी करना चाहती है और गाइज रूबिक स्टेम वर्ल्ड को छोड़ना नहीं चाहता बल्कि वो ये चाहता है कि रियल वर्ल्ड पर भी अब उसका कब्जा होना चाहिए। और गाइस क्योंकि रूबिक का जन्म रूबिन की ब्रेन कॉन्शियसनेस की वजह से हुआ है और गाइस क्योंकि रूबिक सिर्फ एक ब्रेन की पावर है उसे रियल दुनिया में एग्जिस्ट करने के लिए इंसानी शरीर की ज़रूरत पड़ेगी जिसके लिए रूबिक को लेजली के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल करना पड़ेगा। नाउ दूसरी तरफ सेबेस्टियन का सामना एक और बार लॉरा की मॉन्स्टर फॉर्म से होता है और एक बार फिर सेबेस्टियन अपने आप को बचा लेता है। और गाइस अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि अगर लॉरा मर गई थी तो स्टेम वर्ल्ड में वो एक मॉन्स्टर जैसी कैसे बन गई। असल में गाइस जिस समय रूबिन के दिमाग को स्टेम से कनेक्ट किया गया उस समय उसके दिमाग में गांव वालों और अपने पेरेंट्स को लेकर काफ़ी एग्रेसिवनेस थी और रूबिन के इसी गुस्से ने स्टेम वर्ल्ड में लॉरा की मॉन्स्टर फॉर्म का रूप ले लिया। नाउ सेबेस्टियन ने एक बार फिर डॉक्टर हेमिनीज के पास पहुंचता है जहां पर डॉक्टर हेमिनीज लेजली के ब्रेन को वर्चुअल वर्ल्ड के स्टेम से कनेक्ट कर रियल वर्ल्ड में पहुंचने की कोशिश करते हैं पर यह एक्सपेरिमेंट अनसक्सेसफुल रहता है और तभी वहां पर अमलगम नाम का एक बहुत बड़ा क्रिएचर आ जाता है। अमलगम यहां पर डॉक्टर हेमिनीज पर अटैक करके उन्हें मार देता है और सेबेस्टियन और लेजली दोनों अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। नाउ दूसरी तरफ किडमैन लेजली को शूट करने वाली होती है पर तभी वहां पर सेबेस्टियन आ जाता है। किडमैन सेबेस्टियन को समझाती है कि रूबिक को रियल वर्ल्ड में आने से रोकने के लिए लेजली को शूट करना ज़रूरी है। नाउ हम देखते हैं कि लेजली हाई पिच नॉइस प्रोड्यूस करता है जो कि अभी तक सिर्फ रूबिक ही कर सकता था। गाइज इसका मतलब है कि रूबिक धीरे धीरे लेजली पर अपना कंट्रोल कर रहा है। नाउ लेजली भागता है और किडमैन उसे शूट करने की कोशिश करती है
पर बीच में जोसेफ आ जाता है और गोली जोसेफ को लग जाती है और लेस्ली बचकर भाग जाता है और सेबेस्टियन लेस्ली का पीछा करता है, जिसके बाद सेबेस्टियन को वही सीन रीप्ले होता हुआ दिखाई देता है जिसमें रूविक ने 3 सिक्योरिटी गार्ड्स को एक ही झटके में मार दिया था। गाइस अभी तक हमें लग रहा था कि जब रूविक ने सेबेस्टियन पर अटैक किया तब सेबेस्टियन रियल वर्ल्ड से स्टेम वर्ल्ड के अंदर एंटर हुआ, लेकिन हकीकत तो ये है कि गेम की स्टार्टिंग में ही बीकन मेंटल हॉस्पिटल आते हुए कार में जब हाई पिच नॉइज सुनाई दी थी तब उन चारों को स्टेम वर्ल्ड में खींच लिया गया था। और जब सेबेस्टियन ने इस फुटेज को देखा उस समय सेबेस्टियन ऑलरेडी स्टेम वर्ल्ड के अंदर ही था। नाउ यहाँ पर रूविक सेबेस्टियन को ग्रैब करता है, लेकिन इस बार सेबेस्टियन रूविक से बचने में कामयाब हो जाता है। नाउ किडमैन लेस्ली को शूट करने के लिए उसके पीछे भागती है और सेबेस्टियन और किडमैन एक बार फिर से रीयूनाइट होते हैं। किडमैन सेबेस्टियन को समझाने की कोशिश करती है कि रूविक किस तरीके से लेस्ली का यूज करके रियल वर्ल्ड में आना चाहता है, जिसके बाद एक बार फिर हाई पिच नॉइज सुनाई देती है और ये तीनों एक साथ एक न्यू लोकेशन पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और गाइस इस लोकेशन का विजन सेबेस्टियन को पहले भी आया था। नाउ यहाँ पर रूविक ने लेस्ली पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है और रूविक यहाँ पर लेस्ली की कॉन्शियसनेस को एब्जॉर्ब कर एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद रूविक और सेबेस्टियन में बॉस फाइट होती है और सेबेस्टियन इस फाइट को जीत लेता है। नाउ सेबेस्टियन को होश आता है और वो अपने आप को स्टेम से कनेक्टेड देखता है। नाउ सेबेस्टियन रूविक के ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देता है और खुद को एक न्यू लोकेशन पर पाता है। यहाँ सेबेस्टियन किडमैन को देखता है जो कि उसे चुप रहने के लिए बोलती है, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ मोबियस ग्रुप के ही मेंबर थे जो कि उनके खिलाफ सारे सबूतों को मिटा रहे थे, क्योंकि वही लोग बीकन मेंटल हॉस्पिटल में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। और गाइस तभी एक औरत किडमैन के पास आती है और गाइस इस औरत के हाथ में एक अजीब सा निशान है और गाइस इस मार्क को गेम में रूविक्स मार्क कहा गया है और ये किसी के हाथ पर तब बनता है जब कोई स्टेम में जाकर वहां से जिंदा बचकर आ जाए। और गाइस सिमिलरली ऐसा ही निशान हमने द एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ पर भी देखा था। और गाइस तभी कोई इंसान उस औरत को मायरा नाम से बुलाता है और गाइस मैं बता दूं कि मायरा सेबेस्टियन की वाइफ का ही नाम है। मतलब गाइस हम गेम की शुरुआत से ही जिस मायरा को गायब और लापता समझ रहे थे वो कभी गायब और लापता थी ही नहीं, बल्कि सच तो ये है कि मायरा यहाँ मोबियस के लिए काम करती है। नाउ गाइस किडमैन अपने हाथ पर भी रूविक्स मार्क देखती है और गाइस एक बात ये भी रिवील होती है कि जो स्टेम वर्ल्ड में सरवाइव नहीं कर पाता और मर जाता है वो रियल वर्ल्ड कभी वापस आ ही नहीं सकता, और इसीलिए शायद हम मोबियस के द्वारा डॉक्टर हेमिनीज और जोसेफ की बॉडी को ले जाता हुआ देखते हैं। और गाइस यहाँ पर सेबेस्टियन को फाइनली होश आता है, लेकिन इस समय जूली और बाकी के सभी मोबियस वर्कर वहाँ से जा चुके होते हैं। और गाइस सेबेस्टियन देखता है कि लेस्ली की बॉडी मिसिंग है जबकि लेस्ली तो स्टेम वर्ल्ड में मरा ही नहीं था। नाउ गाइस सेबेस्टियन बीकन मेंटल हॉस्पिटल से बाहर निकलता है जहाँ वो लेस्ली को जाता हुआ देखता है। और गाइस इस बार लेस्ली के चलने का तरीका एक पागल जैसा नहीं था, मतलब गाइस जिसे हम अभी चलता हुआ देख रहे हैं वो लेस्ली नहीं रूविक है जो कि लेस्ली के थ्रू रियल वर्ल्ड में आ गया है। और गाइस यहीं पर द इविल विद इन गेम की स्टोरी का एंड होता है। और गाइस अब बारी आती है उस क्वेश्चन की जो मैं वीडियो के बीच में से आपसे पूछने वाला था। सो गाइस द क्वेश्चन इज डू यू थिंक व्हाट रूबिक डिड बाय किलिंग हिज पेरेंट्स राइट और रॉन्ग एंड व्हाट वुड यू डू इफ यू वर इन हिज प्लेस। सो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना, जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन के साथ तक मेरी हर एक छोटी बड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो चलो यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।